Wow, first time in your life, 550 synonyms only in 40 minutes. Students, हम जानते हैं भारत के करोड़ों युवा डायरेक्ट वर्ड को निगल रहे हैं चना के दाना के समान. यदि चना के दाना को हम लोग डायरेक्ट निगलते हैं और वह दाना हमारे एनर्जी को नहीं बढ़ा पाता है. सिमिलरली यदि चना के दाना के समान ही यदि वर्ड को भी हम डायरेक्ट निगल जाए, डायरेक्ट निगल रहे हैं, तो वह वर्ड हमारे ज्ञान का विकास नहीं कर पाता है. मैं आज अपनी इस पुस्तक के माध्यम से, जो मेरी पुस्तक कॉपीराइट है और इसे ISBN नंबर भी प्राप्त है, मैं इस पुस्तक के माध्यम से आपको 550 साइनों मात्र 40 मिनट में आपको मैं सिखाऊंगा. और ये सभी SSC, NDA, CDS, UPSC, SCRA, ETC सभी एग्जाम्स के लिए काफी नेसेसरी वर्ड्स होते हैं. और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें, क्योंकि पूरे युवा R1E1 रट्टा नंबर 1 संक्रमण से संक्रमित है. यदि वे इस वीडियो को देखेंगे तो वे R1E1 से छुटकारा पाएंगे, अर्थात रटने वाले संक्रमण से उन्हें मुक्ति मिलेगी. तो फ्रेंड, इसे YouTube पे जो मेरा चैनल है, ऐसा 250 वीडियोज है मेरे पास, जिसमें से मैं कुछ ही वीडियो आपको दे पा रहा हूं. और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व्हाट्सएप पे, ताकि अनेक विद्यार्थी इसका लाभ ले सके. फ्रेंड्स, पढ़ो पढ़ाओ देश बढ़ाओ. एक्सरसाइज 3 1857 की विद्रोह पर है. सन 1856 ईस्वी तक अंग्रेज एम्पल या सफिशियंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भारतीय राजाओं को एवं उनके अधिकारों को पैरोचियल या नैरो माइंडेड संकीर्ण कर उन्हें कीड़ रहे थे, चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे. आरंभ में लोकेशियस, टॉकेटिव, बातुनी विदेशियों के प्रति भारतीय केविल या क्रीवल थे, दोष निकालते थे, क्योंकि वे भारतीयों के साथ इनफर्नल या डेविलिस नारकीय व्यवहार कर रहे थे, तथा यह एस्पिरिटी या हार्शनेस बरताव, तीखा बरताव सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के रूप में ऑथेंटिक या फैक्चुअल हुआ, प्रमाणित हुआ. सन 1857 ईस्वी तक विद्रोह के लिए एक मैजेस्टिक, एक ग्रैंड शानदार वातावरण पहले ही तैयार हो चुका था. NP2 राइफल ने इस विद्रोह की कुछ डर्थ या स्कार्सिटी को, कमी को पूरा कर दिया. राइफल की कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी, जो कि भारतीयों के फेथ या ट्रस्ट के विपरीत था, जो उनके धर्म को ट्रेड्यूस या बिट्रे कर रहा था, उन्हें धोखा दे रहा था, कलंकित कर रहा था. ईसाई पादरी इनके धर्म को ऑब्सीन या इंडिसेंट, ऑब्सीन इंडिसेंट अश्लील रूप में देखा करते थे, तथा इनके धर्म को आर्टिफैक्ट या मैन मेड करते थे, अर्थात मानव के द्वारा निर्मित करते थे, एवं एक्सपोज या रिवील, भंडाफोड़ करने वाला, ऐसे ही प्रकट करने वाला धर्म करते थे. मार्च 29 1857 को बैरकपुर में एक सेलिब्रेट या बैचलर कुमारा सैनिक मंगल पांडे ने दो लुडिक्रस या अपसर्ड, मूर्ख अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी. मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी जैसी लिथल या डेडली घातक निमेसिस या पनिशमेंट दी गई, दंड दी गई. निमेसिस या पनिशमेंट दी गई, दंड दी गई. इसका रिप्राइजल या रिटेलिएशन, बदला लेने के लिए
6 मई सन 1857 को मेरठ सावनी के 86 सिपाहियों ने कारतूस वाली राइफल चलाने से इनकार कर दिया तथा विदेशी सैनिकों ने अलर्ट या वाचफुल होकर सावधान होकर के दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा सैनिकों ने प्रिडिक्ट या फोरटेल किया, भविष्यवाणी किया कि अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों से डिप्लीट या एग्जॉस्ट करा लिया जाएगा, खाली करा लिया जाएगा। वे भारतीय 86 सिपाहियों ने यह प्रिडिक्ट किया था, फोरटेल किया था, भविष्यवाणी किया था। कानपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का बॉर्डराइज या सेंसर नियंत्रक नाना साहब बने। मध्य भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को लड़ने का गैम्बिट या ट्रिक तरीका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिया और वे अंग्रेजों के बीच बहुत बड़ी बॉब या प्रिवेंट बन गई, बहुत बड़ी रुकावट बाधा बन गई तथा तात्या टोपे ने रानी का साथ दिया। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को टेडियस या टायरसम थका देने वाला, चूर कर देने वाला कार्य किए जो अंग्रेजों के लिए डेलिट्रियस या हार्मफुल हुआ, हानिकारक हुआ। और लेकिन कुछ भारतीयों में गद्दारी की वेस्टिज इविडेंस लक्षण थे, कुछ भारतीयों में गद्दारी के इविडेंस थे उत्पन्न हो गए जिसके कारण रानी युद्ध भूमि में ही फेड या विदर उनको मुरझाना पड़ा, उनको वीरगति को प्राप्त हो गई। बिहार में इस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व 80 साल के वृद्ध जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया। अंतिम युद्ध आरा के निकट 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन की ग्रांड में हुआ एवं अंग्रेजों को अपार क्षति हुई तथा यह अंग्रेजों के लिए डियर या कॉस्टली महंगा साबित हुआ जिससे भारतीय कुछ क्षणों के लिए फेस्टल या मेरी हो उठे, प्रसंचित हो उठे, आनंदमय का माहौल हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों से एल्यूड या डज चलाकी से बच निकलने के लिए कुंवर सिंह ने अपने को गंगा के फेरी या ट्रांसपोर्ट के लिए, माने गंगा में इस पार उस पार जाने के लिए वे छलांग लगा दिए, लेकिन उनकी बाह में गोली लगी जिसके कारण उनका पूरा शरीर जहर से टार्निश या ब्लेमिश हो गया, दूषित हो गया, टार्निश या ब्लेमिश हो गया। और जगदीशपुर में 26 अप्रैल 1858 को उनका स्वर्गवास हो गया तथा इस स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज ट्रंप हो गए, विक्ट्री हो गए, अंग्रेज ट्रंप या विक्ट्री हो गए। लेकिन भारतीय अभी भी रेजिलेंट या फ्लेक्सिबल, लचीला नहीं हुए। सभी लोगों को स्वतंत्र कहलाने का एक फेड या फैशन सा हो गया था, एक प्रचलन सा हो गया था। वे लोग अंग्रेजों को ओगल या एस्टियर करने लगे, वे लोग उनको घूर कर देखने लगे। अंग्रेजों ने केवल अवध में ही 1.5 लाख सैनिकों की हत्या कर पूरा गांव का अपॉसमेंट या अलॉटमेंट करवा दिया, उसको बंटवारा कर दिया, दूसरे को दे दिया। इस विद्रोह की असफलता के कारण एक इक्विवोकल एम्बिगुअस अस्पष्ट कारण नेताओं में यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी एक रूपता में अभाव था। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन और अंग्रेजों के बीच एक बहुत बड़ा ऑब्फ्यूस्केट या कंफ्यूज भ्रांति पैदा करने वाला स्वतंत्रता आंदोलन था। स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता भारतीयों के डोसाइल या जेंटिल होने के कारण हुआ, सीधे साधे नेक होने के कारण भी हुआ तथा वर्तमान समय में
भी शहीद हुए लोगों की ब्रीफ या कंसाइज संक्षिप्त रूप से, ब्रीफ या कंसाइज संक्षिप्त रूप से मिस्टिक या एडमायरेबल क्वालिटी की व्याख्या सभी लोग करते हैं। लोग और आगे प्रैक्टिस करते रहें और अपने दोस्तों को इसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि पढ़े पढ़ाओ देश बढ़ाओ।